हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अमेजिंग हजारी पर। मैं हूं अबरार हजारी और आज हम बात करने वाले हैं अभी कि कोई भी बिजनेस जो चलता है वो चलता है एड से। बात करें यूट्यूब की, फेसबुक की, या किसी भी प्लेटफॉर्म की आप बात कर लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, लिंक्डइन है, और या टीवी एड्स की बात कर ले, सिनेमा घरों में भी एड चलती है, हर जगह एड ही देखने को मिलती है। यहाँ तक कि आप रास्ते में भी अगर चल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बैनर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। आफ्टर ऑल जो भी बिजनेस है वो ज़्यादातर जो है वो एड्स से चलते हैं, क्योंकि एड्स के माध्यम से बहुत जल्दी बिजनेस ग्रो कर जाता है। तो आज मैं भी बात करने वाला हूँ कि इन एड्स के चक्कर में, मतलब कि एड्स बनाने में कुछ लोगों ने इतने हद तक ऐसा एड्स बना दिया है जो सेंस के बाहर है। ऐसा लगता है कि मतलब कि पब्लिक को पता नहीं उल्लू समझ के रखी है इन कंपनियों ने, जो ऐसे ऐसे टीवी एड्स बना दिए हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे ऐसे कुछ वीडियोस एड्स जो के फनी के नाम पर, फनी से बाहर है, और अगर जो हम सेंस लगाएं तो कोई सेंस ही नहीं है। तो चलिए ये पहला एड हम देखते हैं जिसमें कुत्ते के साथ डेटिंग हो रही है, वो भी पिछले 2 साल से। सूजी और ये 2 साल से डेटिंग कर रहे हैं। तो चलिए हम ये एड देखते हैं, फिर इनके बारे में हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। सूजी और मैं 2 साल से डेटिंग कर रहे थे। वी वर इन लव। कभी पिक्चर एक्चर, कभी लेक्चर शेक्चर, सो मच इन लव। लड़कियों को सूजी बहुत पसंद थी, पर लड़के अबे ये कौन है? गर्लफ्रेंड है मेरी, तेरी भाभी होने वाली है। चश्मा चेक करा ले अपना। सब जलते थे। नंबर चेक करा ले तेरा। फिर मैंने सुना कि lenskart.com पे लेजर प्रेसिजन से बने लेंस होते हैं, सोचा यहीं से ले लेते हैं। ये एड देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि चलो भाई lenskart जो है वो अपना प्रचार कर रही है, वो अपना एडवर्टाइज कर रही है कि lenskart में बहुत अच्छे चश्मे मिलते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि lenskart के अलग, lenskart को छोड़ करके अगर हम कहीं और से जाकर के चश्मा लेते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि कोई हमें कुत्ता इंसान दिखने लगे। एक कुत्ते के साथ 2 साल तक डेटिंग करते रहे लेकिन पता ना चले कि वो कुत्ता है या कुछ और है, और फिर बाकी जो लोग है, चलो भाई एक मिनट, इस आदमी को ये लड़की दिख रही है, चलो ठीक है इसके साथ डेटिंग भी है, लेकिन दूसरी लड़कियां इसको पसंद कर रही है तो वो लड़कियां ही दिख रही है, दूसरे लड़के इनसे जलते हैं तो वो लड़के दिख रहे हैं, सिर्फ यही कुत्तिया जो है ये इसको लड़की दिख रही है। मतलब क्या है, lenskart में है अच्छी चीजें मिलती हैं क्या, या फिर इसके चश्मे में ही प्रॉब्लम है? तो क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है इसके चश्मे में कि एक ही चीज, स्पेसिफिक चीज ही गलत दिखेगी? क्या कोई सेंस है इसका? अगर चलो मान लिया कि ये कुत्ता इसको लड़की दिख रही है तो बाकी जो लड़कियां हैं वो भी तो दिखनी चाहिए कुछ और, या जो लड़के उनको बोलते हैं वो भी तो कुछ और दिखना चाहिए। अपने घर में आ जाता है बराबर, घर पे भी नहीं आना था ना भाई, उसको दिखता नहीं है ना सही से चश्मे से। जैसे वो lenskart से चश्मा मंगा के पहनता है और देखता है कि अरे जिसके साथ 2 साल से डेटिंग कर रहा है वो तो कुत्तिया है, कोई मतलब बनता है इस बात का? मेरा बेटा मिल गया। चलो बेटा वेट, ड्रामा बाद में, पहले वेरिफिकेशन। गाल पे तिल, ओके। लेफ्ट साइड पार्टिंग, ओके। दो आंखें, बीच में नाक, खरगोश दांत, ओके ओके। यस बिंगो, तेरा मेरा मैच नहीं हो रहा था। एक और बेटा, नहीं मिलेगा तो क्या मतलब ये बच्चा वापस नहीं करेंगे? और देखो लास्ट का सीन आपने नहीं देखा क्या? लास्ट का सीन देखिए जिसमें कि किसी और बच्चे का जो है टेरे मेरे मिल गया, तो बोल रहे क्या हो सकता है ये बच्चा होगा, उसे टेरे मेरे की वजह से बच्चा बदल देंगे, लेकिन अगर टेरे मेरे मैच नहीं हुआ तो बच्चा नहीं देंगे कि वही बच्चा है वेरिफिकेशन होने के बाद भी। मतलब कुछ भी भाई, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। बिना बताए जा रहे हो? मिंगो टेढ़े मेढ़े रस्ते में खा लेना, चिट्ठी लिखना, बाय। चलिए रणवीर भाई, हम आपकी बात मान लेते हैं, और अगर कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ तब, अगर कोई हमारे घर से पैसे चोरी करके भाग रहा है और हम उनको कुरकुरे का डब्बा थमा दे, भाई पैसे लेके जा रहे हो ये लो, साथ में खाना, जाके चिट्ठी लिखना, तो क्या हो सकता है? हुआ डॉलर चेक कर मेरे बेब्स, प्रोटीन शेक ले रहा हूँ मैं आजकल। प्रोटीन शेक बल्क कर, अच्छा बेब्स। तेरी वो गोवा ट्रिप का क्या हुआ? अरे वो अपना भूषण है ना, भूषण पावड़ा, वही उसका डेंटिस्ट है ना, ही जुगाड़ फाइट वन डील, बड़ा डील यार, सिर्फ 50% एडवांस दिया मैंने। वाह
होटल देखा तूने? होटल की मुंह दिखाए कौन करता है बेब्स? MMT अबे मेक माय ट्रिप पे पहले होटल की मुंह दिखाई कर, पसंद कर, फिर बुक कर। और 0% एडवांस। छुट्टी पे जा, पे एट होटल। शक्स यार, तू ना बादाम खाया कर। क्यों, कट्स के लिए अच्छा है क्या? नहीं, दिमाग के लिए। दिमाग के लिए। लेकिन 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 मुझे एड से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुझे ये दिक्कत है कि जो लाइन आलिया भट्ट ने लास्ट में बोली है, क्या ये रणवीर सिंह के लिए था या सिर्फ ये जो लाइन है ये आलिया भट्ट के लिए? और ये दिमाग वाला बात कौन बोल रहा है? Who is the president of India? मनमोहन सिंह। तो आई होप कि आपको, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, आई होप कि आपको मजा आया होगा वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह के वीडियोस में बनाऊ या ना बनाऊ क्यों कुछ चीज़ें इंप्रूव और भी करनी है, जो भी आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें मुझे सुधारनी है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।